गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट 3-4 वीडियोस के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए, तो एक स्टूडेंट उन्होंने लिखा है मेरे को कि सर आप बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाते हैं और नए रेमेडीज़ की पूरी जर्नी है, हम लोग न्यू कमर्स हैं, जस्ट BHMS करके क्लिनिक खोले हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन सर पेशेंट्स जो आते हैं बहुत कम बोलते हैं, एक्यूट्स में आते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स में आते हैं, बुखार में आते हैं, तो थोड़ा सा उनको मैनेज करना कैसे तो बताइए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी मेरे लास्ट जैसे पुराने केसेस निकाले कुछ, तो 2-3 केसेस हम डिस्कस करेंगे एक ही प्रॉब्लम की। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये छोटे छोटे केसेस हैं, बहुत लंबे केसेस नहीं, 4-5 मिनट के केस टेकिंग है, और मैं एक्जिमा के ऊपर बताऊंगा, 2-3 केस एक्जिमा के, और रेमेडीज़ को हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे ताकि आप अपना क्लिनिक में अप्लाई कर सकते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो सीनियर्स हैं और जो इस सिस्टम में अच्छे से जानते हैं माइंड के बारे में, तो उनके लिए तो बहुत आसान है, पर जो नए लोग हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो एक केस, छोटा केस बताता हूँ। मेरे पास एक लेडी है, सी इज़ इन हर अराउंड 30s, तो 30 साल की होगी, तो एक मेरा पुराना पेशेंट है, तो वो लेके आए, तो जो लेडी है उनका, वो जो पेशेंट है जीजाजी है, तो जब आए तो मैं बोला क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अपनी उंगलियों को दिखाया कि इसमें एक्जिमा है, और ये लास्ट 2-3 साल से है, और इसमें काफ़ी इचिंग होती है और पानी लगता है तो जलन बहुत होती है, तो और काफ़ी परेशान थे। तो मैंने बोला कोई ट्रीटमेंट वगैरह किया आपने, तो बोले मैंने पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, तो कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह दिया, कुछ दवाई भी खाने के लिए दिया, और उससे आराम हो गया। फिर 6-7 महीने के बाद फिर जो हुआ, फिर दोबारा मैंने ट्रीटमेंट लिया, आराम हो गया, पर ये लास्ट 1 साल से अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक होता है फिर तुरंत आ जाता है। तो जीजाजी के घर आया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप इनको दिखाओ, ये मेरा भी स्किन की प्रॉब्लम था, ठीक हो गया था, कर दिए थे इन्होंने ठीक। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है आपके पास दिखाता हूँ। मैंने बोला इसको लेके मन में क्या बात, क्या परेशानी आती है, मन में क्या बात आती है, तो उन्होंने बोला ऐसे कोई परेशानी नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा इसमें से दिक्कत नहीं है, पर ये कि मतलब बार बार होता है, ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, तो दिक्कत होती है थोड़ा सा। छोटा बच्चा है मेरा, अभी 1.5 साल का बच्चा है, तो अभी उसको, उसका काम करना है तो पानी का काम होता है, और घर में मैं अकेली हूँ, मतलब मैं अकेली बहू हूँ, मेरा माई हस्बैंड इज़ द ओनली सन, और हस्बैंड मेरा बाहर रहते हैं, और मैं अपनी इन लॉज के साथ रहता हूँ यहाँ, तो काम तो करना होता है, तो उसमें जब पानी लगता है तो दिक्कत हो जाती है मुझे। तो अब कितना भी मेड काम करे, पानी तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, आटा गूंदना, छोटी मोटी काम करने के टाइम दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैं बोला कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे मैनेज क्या करना है, कर लेता हूँ बस, किस तरीके से मैंने मैनेज कर लेता हूँ। तो और कोई दिक्कत है इसको लेके, तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही है बस। तो उन्होंने इसको लेकर कोई टेंशन है, तो बोले नहीं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं, बस ये बार बार हो जाता है, तो अब जैसे जीजाजी ने बोला होम्योपैथी में ठीक हो जाता है, हमने सोचा आपसे दवाई ले लेंगे ठीक हो जाएगा, तो ये अभी ये कंडीशन है। तो मैंने फिर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, मैंने लगा और कोई टेंशन वगैरह है क्या लाइफ में, तो सी गेव ए स्माइल, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला फिर भी अगर है तो आप बता सकते हैं, तो उनकी जीजाजी बोले कि देखो बेटा आप ना खुल के सब कुछ बोलो, कि जब तक ये खुल के बोलोगे नहीं ना तो डॉक्टर साहब ना सही दवाई नहीं दे सकते, ये हमेशा पूछते हैं ऐसा। फिर मैंने बोला नहीं आप बता देंगे तो अच्छी बात है, तो बोले नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा एक मतलब स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है पेशेंट को देख के या कैसे भी हो, मैंने बोला इसका मतलब आप लाइफ में बहुत खुश हो, तो
अभी उन्होंने अपने जीजा जी के तरफ तरफ देखा, फिर मेरे को देखा, देन थोड़ा सा स्माइल देके एक वर्ड बोला, ऑलमोस्ट। अब ये वर्ड बोल के फिर वो कुछ बोली नहीं, एंड सी वॉज अ स्माइलिंग। अब ये जो ऑलमोस्ट वाली वर्ड है वो मेरा यहाँ अटक गया। अब मैं बोला ये ऑलमोस्ट क्या होता है। तो उसके बाद फिर उसके जीजा जी जो है पीछे से बोले, अरे डॉक्टर साहब ये शायद खुल के नहीं बोल रही, थोड़ा सा मतलब झिझक रही है, इसके हस्बैंड अभी ये बाहर रहते हैं और ये पूरा घर का ध्यान रखते हैं, इसका जो फादर और मदर इन लॉ दोनों बड़े थोड़ा बुजुर्ग है और सब काम करती है ये, और कोई मतलब जैसे थोड़ा सा पुराने ख्याल की इसके फादर मदर, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, लेकिन ये कभी कुछ बोलती नहीं है। तो फिर मैं उनको बोला कि आपको, नहीं 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 डॉक्टर साहब ऐसे है ना, माँ बाप हैं, अभी मेरे माँ बाप जैसे है ये भी वैसे ही है, क्या बोलना है। मैंने बोला फिर भी अंदर से तो कभी कभी लगता होगा, इतना लोड हो गया शादी के तुरंत बाद आप आए और हस्बैंड बाहर हैं, तो बोले कोई बात नहीं। और मैं बोला फिर आप हस्बैंड के साथ शेयर करते ये चीज़, तो बोले नहीं 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 कभी नहीं किया मैंने। ये क्या बात हुई डॉक्टर साहब कि एक लड़की जब शादी करके आता है ना अपनी ससुराल, तो उसका ससुराल अपना घर हो जाता है, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना आपको कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि मतलब ऐसे तो करना ही पड़ेगा ना आपको, तो इतना भी क्या नहीं कर सकते हो कि आप कंप्लेन कर रहे हो छोटी सी चीज़ के लिए। अब मेरे हस्बैंड बाहर है वो परेशान हो जाएंगे, और मेरे इन लॉज इधर है, अब इतना बड़ों को तो बोलना ज़रूरी है ना। तो मैंने बोला अच्छा और कोई बात नहीं, नहीं डॉक्टर साहब और कोई बात नहीं, आप बस इसकी दवाई दे दीजिए ठीक हो जाए और जलन ना हो, बच्चे का काम कर लूँ ठीक से, और मेरे माँ बाप का जो सास ससुर का काम ठीक से कर लूँ। तो ये छोटा सा केस है, ये 5-6 मिनट का केस है। अब मेरे दिमाग में जो इस केस में क्या होता है, जब मैं केस लेता हूँ तो मैं केस लेने का टाइम कोई चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ कि इसमें ऐसे खास बात क्या है इस केस के अंदर। तो मेरे को जो ऑलमोस्ट वाली वर्ड जो रहा, एक शब्द था ऑलमोस्ट, अब वो मेरे को बड़ा खास लगा था इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ हम खुश हैं, हम खुश नहीं हैं, हमें ये तकलीफ़ है वो तकलीफ़ है, और ऑलमोस्ट वाले, अब ऑलमोस्ट का मतलब क्या है। अब ये मैं सोचने लगा यार ये ऑलमोस्ट का मतलब समझे आप, तो ऑलमोस्ट का मतलब ये होता है कि क्या उसको बोलते हैं, मतलब ना सब कुछ ठीक है ना खराब है, मतलब थोड़ी सी खराब है पर और सब कुछ ठीक है, थोड़ी सी खराब है, मतलब वो थोड़ी सी खराबी बताना भी चाहती है और बताना नहीं भी चाहती है। अब इस एरिया को हमें समझना लगना पड़ेगा हमें, एक ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट था, और दूसरी इम्पोर्टेंट मेरे दिमाग में था कि भाई न्यू मैरिज हुआ है और हस्बैंड बाहर है और ये अपनी सास ससुर के साथ काम कर रही है घर में सब कुछ, बच्चा भी हो गया, तो पर एक बार भी वो अपनी तकलीफ़ के बारे अपने हस्बैंड को कंप्लेन नहीं किया। तो जनरली भाई शादी के बाद तो सबको करना पड़ता है, लेकिन जैसे न्यू एक लड़की होती है उसकी बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है और काफ़ी सारी चीज़ वो एक्सपेक्ट करती है, भाई मेरे हस्बैंड मेरे लिए करे ये सब चीज़ें। पर यहाँ ऐसा हुआ कि ये जब एक्सपेक्टेशन क्या होता है भाई कि बाहर घूमने जाएँ कुछ करें, अब शादी के बाद तुरंत बच्चा हो गया और उसके बाद वो फॉरेन में है, तो 1-2 साल के बाद आता है क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में है, तो अभी आए नहीं अभी तक शादी के बाद, तो मतलब अकेली रहती है सब कुछ करती है पर एक बार कंप्लेन नहीं करती है। तो जो ऑलमोस्ट वाली रूब्रिक है, ऑलमोस्ट वाली जो फीलिंग है, मैंने एक हमारे पास रूब्रिक हाइडिंग है, मैंने उसको हाइडिंग रूब्रिक लिया, क्योंकि क्या होता है कि हाइडिंग में क्या होता है कि आप छुपना भी चाहते हो, छुपाना भी चाहते हो, और साथ साथ में एक क्लू देना चाहते हो अगले को कि ये देखो मैं यहाँ छुपा हूँ। तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली है कि सब कुछ ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन साथ में ये जो स्माइल है और बोलने की तरीका इसमें थोड़ी सी है, थोड़ी सी मैं परेशान हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बहुत कंप्लेन कर रहा हूँ इसके बारे में। और एग्जैक्टली उसके बाद जब इसने बोला कि जैसे
शादी होने के बाद जो ससुराल है वो खुद का घर बन जाता है। हमारे पास एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, डिल्यूजन, ही इज़ मैरिड। अगर आप उसमें देखेंगे, बहुत बढ़िया रूब्रिक है डिल्यूजन। ही इज़ मैरिड, ठीक है। तो इसमें इग्निशिया सिंगल मेडिसिन है, हाइडिंग में भी इग्निशिया है। अभी ज़्यादातर जो इग्निशिया हम 90% इग्निशिया हम फीमेल को देते हैं, और उभरी के ही इज़ मैरिड। आप यहाँ से समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी बहुत सारी केसेस की एक जिम, अगर तो मैंने एक केस बताया आपको, कोई भी केस हो, चाहे बुखार हो, चाहे आपकी माइग्रेन हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें आप ठीक। अभी मैरिज के बाद, मैरिज में होती क्या है एक्चुअली, मैरिज में दो लोग साथ में रहने की मतलब एक कसम खाते हैं, एक तय कर लेते हैं कि भाई हम एक एक अलग अलग नहीं रहेंगे, साथ में रहेंगे। तो ज़्यादातर मैरिज में क्या होता है, एक फीमेल मेल के घर में आता है ज़्यादातर। अब कुछ कुछ कंट्रीज़ में या कहीं और कोई अंडरस्टैंडिंग होगा कि मेल फीमेल के घर में जाता होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर ज़्यादातर होता है। तो जब फीमेल मेल के घर में आता है तो अब जो मैरिज होता है तो सब मैरिड ही होता है, पर ही इज़ मैरिड, अब यहाँ सी नहीं है, ही है। इसका मतलब जो फीमेल है वो ही बन जाता है, उसको ये घर अपना लग जाता है। ये वो सोचती है कि अब उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये पूरी घर को ये अपनी हिसाब से, अपनी घर समझ के, हिसाब से नहीं है, अपनी घर समझ के ये चलाएगी वो, और किसी को कोई कंप्लेन नहीं हमें देगा, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। अब मैरिड मतलब क्या है, मैरिज जब हो जाता है ना, दो एक हो जाते हैं, इसमें कोई जैसे उसने अपनी सास ससुर और अपने सास ससुराल को अपना घर समझ के एक भी कंप्लेन नहीं करता है। यहाँ कंप्लेन कैसे करोगे, क्योंकि आपका अपना घर है एंड आप ही हो, आप मेन मेंबर हो, आपकी वाइफ है और सब लोग सी हो गए, वो लोग आपके मतलब आपकी हिसाब से चलेंगे। हिसाब इन द सेंस क्या है, यू आर नॉट कमांडिंग, यू आर नॉट डिक्टेटिंग, यू आर नॉट कंट्रोलिंग, आप अपना घर जैसे उनको चलाते हैं, मेरे घर जैसा है। जैसे घर में होता है ना, माँ होती है, माँ क्या करती है कि पूरी घर चलाती है, वह फादर के लिए खाना बनाती है, बच्चों के लिए बनाती है और छोटों के लिए बनाती है, पर लगता है कि जैसे मदर इज़ कम्प्लीटली डूइंग एवरीथिंग फॉर एवरीबडी। तो यहाँ ऐसे एग्जैक्टली यही होता है कि इग्निशिया को जब शादी हो जाती है, ये शादी नहीं है, इग्निशिया जैसे भी किसी और के साथ जुड़ जाता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लव हो, चाहे वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, चाहे सिस्टर ब्रदर रिलेशनशिप हो, उसमें दो नहीं रहते, एक हो जाता है। पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी है उसकी हो जाती है। अब रूब्रिक में मत जाइए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी में भी एक नीचे होना चाहिए, नो, रूब्रिक्स तो आपको समझाने के लिए, वो अलग बात है, पर यहाँ एक एहसास होनी चाहिए इग्निशिया की कि इग्निशिया को लगता है ये घर मेरा है, ये रिश्ता मेरा है, ये रिश्ते में मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बड़ा पार्टनर हूँ, मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। अगला आदमी गलती करेगा तो मैं उस गलती की क्या उसको बोलते हैं, उसको एहसास होने नहीं दूंगा, उसको आराम से समझाऊंगा। अगर गलती से कुछ भुगतना पड़ेगा तो मैं भुगतूंगा ना, मैं ही हूँ, आई एम नॉट सी, आई एम ही, पावरफुल, स्ट्रेंथी। तो यहाँ इग्निशिया का जो मैरिड बाई फीलिंग है, मैरिड का फीलिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें किसी भी जगह इग्निशिया होता है, वो अपना सोच के सब कुछ करता है, तो कंप्लेन की तो गुंजाइश ही नहीं है। पर एक इंसान है, जब तकलीफ होती है ना कहीं कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, तो इग्निशिया का वो ही रिएक्शन है, वो हाइडिंग से बाहर थोड़ा, अगर यहाँ सिक्रेटिव होता है इग्निशिया तो ये बाहर नहीं निकलता। ये स्टेज है जहाँ वो बता सकती है तो बता दिया। अगर यहाँ से कोई और ज़्यादा इंटेंस स्टेट होगा, जैसे रिलेशनशिप में कोई दरार है, कोई और तकलीफ है, ये तो स्किन की एक प्रॉब्लम है, या जैसे एक रिलेशनशिप में आप थोड़ी सी नाखुश हो, पूरी तरह से खुश नहीं हो, गया हस्बैंड उधर है, यहाँ सब कुछ काम करना पड़ रहा है, हाथ में भी जलन हो रही है, और थोड़ी सी बताना है तो बस ऐसे बता दिया कि जस्ट 99.99 ठीक है, 0.01 गड़बड़ है। तो ये जो कंडीशन है, ये ऑलमोस्ट वाली फीलिंग है,
ये एक वीडियो कैसे बहुत पहले का केस है, मैंने कहीं सेमिनार में भी दिखाया होगा। एंड एक्जिमा गॉट क्योर्ड इन 1 month's टाइम, आई गिव ए डोज ऑफ इग्निशिया 30। तो इग्निशिया को थोड़ा समझना बहुत, अगर आप कभी क्या उसको बोलते हैं कोशिश करेंगे, बहुत सारे रूब्रिक्स है इग्निशिया को, पर ये एक समझ बहुत ज़रूरी है कि रिश्ता जब इग्निशिया निभाता है, उस रिश्ते में जो क्या उस स्ट्रांग पार्टनर वो इग्निशिया होता है, क्योंकि सब कुछ सह सकता है वो, और सह के रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो सेंसिटिविटी, उसकी मोरल, उसकी कॉन्शियस कॉन्साइंस, सब कुछ इतनी ज़्यादा है कि अंदर रखता है। ये एक स्टेज है इग्निशिया, जब कभी हम पढ़ाएंगे कि वो तो सब पढ़ रहे हैं, सबको पता है, तो और समझ लेंगे। तो थोड़ा समझ में आया आपको? तो इग्निशिया फील्स दैट कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो घर को चलाना है और कंप्लेन नहीं करना है, लेकिन उसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग है, जो एक इंडिविजुअल है, वो कभी कभी थोड़ा चूक कर देता है, और वो जो है हाइडिंग में, आप इस हाइडिंग में क्या होता है कि पूरी की पूरी छुपाता है, लेकिन थोड़ी सी क्लू दे देता है वो, दैट इज ऑलमोस्ट इन दिस केस। एक और छोटा सा केस में एक्जिमा का, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादातर होम्योपैथ आपको पता है कि काफ़ी सारे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास लोग आते हैं, और हम उसको डील भी अच्छे से करते हैं। मतलब कुछ कुछ केसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे मान के चलिए विटिलिगो हो गया, एलेगिन प्लानस हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर जैसे एट्रोपिक डर्माटाइटिस हो गया, एक्जिमा हो गया और सोरियासिस हो गया, बहुत आसानी से हैंडल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा अपर लेयर में होता है और ज़्यादा अंदर नहीं जाता है, तो आसानी से हैंडल हो जाता है। ठीक है, एक और केस बताता हूँ, बस इसके थोड़ा आसपास का केस, क्योंकि मैं जानबूझ के ऐसे केसेस लिया, तो आप, आपके पास ऐसे केसेस आएंगे जिनको थोड़ा डिफरेंशिएट करने में डिफ़िकल्ट है, कर लोगे तो बहुत आसान है। एक और पेशेंट आया मेरे पास एक्जिमा का, तो ये आदमी जो आया, तो मैंने उसको पूछा, भाई हाँ जी बताइए कब से है? डॉक्टर साहब है तो बहुत सालों से है, और अपॉइंटमेंट वगैरह लाया कि मैनेज कर लेते हैं हम लोग, ये सेकंड केस बता रहा हूँ मैं। तो मैं बोला फिर इससे दिक्कत क्या होता है? डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लगता है। अब मैं स्माइल करके बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर उसकी एक्सप्लेन था। मैं बोला अभी इसको लेके मतलब इससे दिक्कत क्या होती है, जैसे मेरा सवाल होता है, अच्छा नहीं लगता है डॉक्टर साहब। तो मैंने बोला इसमें क्या नहीं अच्छा लगता है? डॉक्टर साहब ये दिखता है लोगों को, जो एक्जिमा उसका तो थोड़ा इस एरिया में, हाथ में है तो पैरों में है, तो जैसे सैंडल्स पहनता है, हाथ जैसे फुल शर्ट्स वगैरह जब नहीं पहनता है, या गर्मी में जब टी शर्ट्स पहनता है, वो तो दिखता है लोगों को। तो मैंने बोला फिर बुरा लगता है डॉक्टर साहब? कैसे मैनेज करते हैं? बस कोशिश रहता है कि दिखे नहीं। तो अभी मैं स्माइल कर रहा हूँ, तो आप पेशेंट की स्माइल नहीं लेना है इसको, पेशेंट इज बिट सीरियस, बिकॉज किसी को अगर चीज़ें बुरा लगता है वो स्माइल नहीं करेगा। अब मैं आपको केस दे रहा हूँ इसलिए स्माइल कर रहा हूँ, तो मेरे को भी अगर एक्जिमा हो जाएगा तो मैं नहीं स्माइल करूँगा, क्योंकि वो बेचारा मेरे को परेशान कर रहा होगा। तो मैंने बोला अच्छा, और इसको लेके कोई चिंता टेंशन? नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, थोड़ा अपने बारे में बताइए आप, नेचर वगैरह कैसा है? बढ़िया है डॉक्टर साहब। उसके साथ भी उसके फ्रेंड्स आए तो हम जानकार हैं। नहीं डॉक्टर साहब बढ़िया है। तो फिर मैं एक थोड़ा सा जैसे लाइफ को लेके सवाल पूछता हूँ, अभी कैसे मतलब लाइफ कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है डॉक्टर साहब। मैंने पूछा कि लाइफ से क्या चाहते हैं आप, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की चाहते हैं आपको लाइफ से? डॉक्टर साहब सब अच्छा बोले, मुझे कोई बुरा नहीं बोले डॉक्टर साहब, और भगवान ने ऐसी बीमारी दे दिया कि भाई हर आदमी को लगता है यार इसको क्या बीमारी है। तो मैंने बोला अगर कोई बुरा बोलता है तो आप डॉक्टर साहब
बुरा बोलता है तो अब कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि मैं अगर कोई अपना है जिसको मैं जानता हूँ तो मैं किसी भी हद तक उसके लिए काम जो उसको अच्छा लगे कर सकता हूँ ताकि वो मुझे और बुरा नहीं बोले। अगर जैसे मान के चलो मेरा फ्रेंड है, उसने बोला क्या यार तेरे को एक्जिमा हो गया कि इलाज क्यों नहीं करता है, गंदा दिख रहा है यार। अब मैं उस फ्रेंड की जितने काम है वो सब कर देता हूँ। अब वो प्रॉपर्टी काम है उसका, क्लाइंट को लेके साइट पे जाता हूँ, दिखाता हूँ। वो बोलता है अरे यार कोई बात नहीं कल हो जाएगा यार, आज मैं परेशान हूँ, आज दो चार क्लाइंट है। अरे मैं करता हूँ ना तेरा काम। अरे तू क्यों करेगा भाई तेरा अपना क्लाइंट छोड़ के? अरे नहीं नहीं मैं तेरा, मतलब मैं इतना काम कर लेता हूँ कि अगला आदमी मतलब ये ताकि ये चीज़ नहीं देखे, मेरे काम को देखे। और मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि मेरे को कोई बुरा नहीं बोले, हमें हमेशा हर आदमी अच्छा बोले, बस एक ही चाहत होती है। और इसके लिए मैं मतलब अगले का जो भी काम है करता हूँ। और कभी ऐसा नहीं कि उसने बोल भी दिया तो मैंने कुछ बोल दिया, रिएक्ट कर दिया, कभी नहीं बोला आज तक डॉक्टर साहब। अभी एक छोटा सा केस है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये इंसान का दो एरिया है, दो एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एक तो जो बीमारी को लेके ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, ही इज़ फीलिंग बैड अबाउट द डिजीज। और क्यों बैड लगता है? क्योंकि ये लोगों को दिखता है, खुद को नहीं है। खुद के बारे में उसने कुछ नहीं बोला कि मुझे बुरा लगता है, लोगों को दिखता है तब इसको बुरा लगता है। तो लोगों को दिखने के ऊपर इसको बुरा लगता है, इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगता है। अगर ये ऐसी एरिया में हो जो कहीं दिखे नहीं या कोई दिक्कत नहीं है इसको, मतलब ऐसे लोग देख नहीं रहे, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, तो इसको कोई परेशानी नहीं है। और इसको लाइफ से क्या चाहिए कि एवरीबडी शुड टॉक गुड ऑफ हिम, अच्छा बोले उसको। और ये वो अब ये अच्छा सुनने के लिए ये उनके लिए कुछ भी कर सकता है, अपना काम छोड़ के दूसरा काम कर सकता है। अपना जैसे उसका क्या उसको बोलते हैं क्लाइंट्स है, अपना क्लाइंट छोड़ के उसने दूसरे प्रॉपर्टी डीलर है उसका क्लाइंट नहीं जाके दिखाता है। तो ये स्टाफिसाइग्रिया है। क्योंकि स्टाफिसाइग्रिया में क्या होता है बेसिकली, अगर आप स्टाफिसाइग्रिया का फीलिंग देखोगे, जो जो पहला फीलिंग स्टाफिसाइग्रिया का है वह एम्बरेसमेंट है। एम्बरेसमेंट का मतलब क्या होता है? फीलिंग लो, फीलिंग डाउन, मतलब खुद को अंदर से मतलब जैसे बड़ा बुरा बुरा अंदर से, अब कोई अगर देख लिया तो उसको अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं, कोई देख लिया तो हमारे पास, क्योंकि कोई देखेगा तो बताएगा अरे क्या हो गया तेरे को यार। हमारे पास एक रूबरिक है उसका स्टेप सही रहेगा, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, विच इज़ वेरी वन ऑफ द क्लासिक रूबरिक ऑफ स्टेप सही। पहले इसमें बहुत कम दवाई होती थी, दो तीन दवाई होती थी, अभी आजकल इन्होंने काफ़ी सारी दवाई, पहले दो ही दवाई होती थी। सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स देखेंगे, देर आर ओनली टू मेडिसिन, स्टेनम मेटालिकम एंड स्टेफिसाइग्रिया। अर्लियर टू व्हाट यू कैन टेल व्हेन बार्थेल्स सिंथेटिक रेपर्टरी वाज देयर टिल पीएरएस मेट, उसके बाद धीरे धीरे एडिशन हुआ तो बहुत सारा सेंसिटिव टू ओपिनियन अदर्स, बहुत सारी दवाई आ गई। तो स्टेफिसाइग्रिया उस टाइम था, तो अगर उस टाइम की आप देखेंगे, स्टाफिसाइग्रिया वाज एडेड बाई डॉक्टर फाटक एंड बोरिक एंड स्टेनम ऑल्सो डॉक्टर फाटक। तो उसमें क्या होता है, सेंसिटिव टू ओपिनियन, किसी ओपिनियन मतलब क्या, किसी ने अपने कोई मत बनाया, किसी ने इसके बारे में कोई कमेंट दिया, किसी ने इसके बारे में कोई सुझाव, कोई मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बना लिया, वो चीज़ उसको सेंसिटिव मतलब उसको चुभता है। बट इज सेंसिटिविटी, इट इफेक्ट्स, मतलब रिएक्शन नहीं है। इन सेंसिटिविटी देर इज लेस रिएक्शन, इज इट क्लियर? इन सेंसिटिविटी यू फील, आपको अंदर चुभ जाएगी, जैसे होता है ना यार बंदा बहुत सेंसिटिव है, चुभ जाती है बातें उसको, तो ये सेंसिटिविटी है। तो ये वाली जो कंडीशन है, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, ये सेंसिटिविटी की वजह से ही एम्बरस होता है। फिर वो स्टेफिसाइग्रिया में भी हाइडिंग में है, कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन
ज़्यादातर सेंसिटिविटी इज इम्पोर्टेंट. एक्चुअली द इंटरेस्टिंग पॉइंट व्हाट आई यू नो हाउ आई एनालाइज द लास्ट केस इन इन इग्नेसिया द सेंसिटिविटी इज नॉट देयर. अभी नया रिपोर्टर में अगर उन्हें ऐड कर दिया मुझे नहीं पता है द सेंसिटिविटी ओपन अभी भी ऐड नहीं किया इन्होंने. अच्छा किया उन्होंने. तो इग्निशिया को उससे कोई मतलब नहीं, बाहर का कौन क्या बोल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है. उसको अंदर से मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरे को गलत करना नहीं चाहिए, उसको ये दिक्कत होती है इग्निशिया का. स्टाफिस एग्रिया क्या, बाहर का क्या कौन बोलेगा उससे उसको परेशानी होती है, बाहर वालों की चिंता ज़्यादा होती है. थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, इग्निशिया का अंदर वालों की चिंता, अंदर के उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है. दूसरा है सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस में भी है, पर वो मोरलिटी को लेके है. यहाँ हर चीज़ को इसकी अपनी एक क्या उसको बोलते हैं, एक फिगर है, एक स्टेटस है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए. बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे डॉक्टर्स को आप स्टेफिस एग्रिया से ठीक कर सकते हैं, जहाँ डॉक्टर्स को ये फील होता है कि जैसे मान के चलो मेरा बाल पक गया और एक ग्रे हेयर वाला पेशेंट आया और वो पहले ही बोल दिया अरे डॉक्टर साहब आपका भी तो बाल पके हुए हैं. अब वो डॉक्टर को चुप जाती है ये बात. अरे यार डॉक्टर साहब बड़ा बुरा लगता है जब कोई बोल देता है ना भाई तुम टकले हो, तुम्हारे बाल पके हुए, डॉक्टर साहब आप तो वैसे ही खांस रहे हो जैसे मैं खांस रहा हूँ. अब ये जो एरिया है ना, ये डॉक्टर की स्टाफिस एग्रिया वाला एरिया है. अगर उसको चुपता है और कुछ बोलता नहीं है, अरे आपको समझ में, फिर वो पूरी मेहनत करता है अगले को ठीक करने के लिए. फिर क्या होता है, एक दूसरा जो ये जो पेशेंट है क्या बोलता है कि सब अच्छा बोले, फिर अगेन द ओपिनियन शुड बी गुड, सब अच्छा बोले, और इसके लिए वो अपना काम को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरों के लिए करता है. ये हमारे पास रूबरी का सेल्फ डिनायल, खुद का काम कॉम्प्रोमाइज कर देता है. ही डिनाइंग हिज सेल्फ नीड कि यार मैं अगर कस्टमर नहीं दूंगा तो मेरी कमाई खत्म हो जाएगी, और ये उसकी एम्बिशन है. इग्निशिया में देर इज नो एम्बिशन, आगे नहीं बढ़ना है, ग्रो नहीं करना है, बस जैसे है मेरी फैमिली है, खुश रहना चाहिए, अच्छा आराम से रहना चाहिए. और यहाँ क्या होता है, आगे बढ़ना है मुझे लाइफ में, कि मेरे को सब अच्छा बोलेंगे तो मेरी ग्रोथ होगी, मेरी स्टैच्योर की ग्रोथ होगी. स्टाफिस एग्रिया की यही प्रॉब्लम होती है, सेल्फ, ही डिनाइज सेल्फ, मेरा काम रहने दो कोई बात नहीं, आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, बट आई विल डू योर वर्क सो दैट यू गिव गुड ओपिनियन अबाउट मी. आप अपने दिमाग के अंदर मेरे बारे में गुड ओपिनियन बनाएंगे, नहीं यार डॉक्टर मोहंती बहुत अच्छा है, फलाना बहुत अच्छा है. तो स्टाफिस एग्रिया में इग्निशिया से डिफरेंशिएट करने के लिए ये एरिया है. बहुत ईजीली आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाउ टू डिफरेंट द बेसिक कोर रूब्रिक विच डिफरेंशिएट्स स्टाफिस एग्रिया फ्रॉम इग्निशिया इज एम्बिशन. इन स्टाफिस एग्रिया द इंडिविजुअल इज वेरी एम्बिशियस, ही कॉम्प्रोमाइजेस, ही सप्रेसेस एवरीथिंग फॉर ग्रोथ. बट इग्निशिया देर इज नो एम्बिशन, only thing that that conscience, the moral, the marriage, the self, कोई अगला आदमी है ही नहीं, मेरे को ही सब कुछ करना है, मेरे को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर संभाल लूँ, अच्छे से संभाल लूँ, सब खुश रहे. तो ये दोनों इसमें डिफरेंस है मेरे हिसाब से. अगर आपके पास केस आएगा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्या होती है ना, when we ask leading questions, leading question नहीं पूछे, ask some neutral questions है, how is life, कैसे चल रहा है ज़िंदगी, क्या आजकल क्या चल रहा है, घर में कौन कौन है, मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स तो स्लोली स्लोली पेशेंट है ना आपके साथ थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसे बात कर देगा जहाँ से आपको एक क्लू मिल जाएगा उस पेशेंट में एंट्री करने के लिए. बहुत मज़ा आता है. आप माइंड में जब काम करेंगे तो ये नहीं कि फिजिकल्स ख़राब है, नहीं बहुत अच्छा है, फिजिकल्स मोडलिटीज माइंड दे आर ऑल गुड, पर जो मज़ा माइंड में आता है ना एक्चुअली एक इंसान को मतलब क्या उसको बोलते हैं करीब से समझने के, तो वो किसी सिस्टम में नहीं है और होम्योपैथी में जहाँ भी है. इसीलिए शायद जो हमारे मास्टर से उन्होंने बोला था विदाउट माइंड आप जहाँ भी दे रहे हो दवाई वो परफेक्ट नहीं है, वो हायर पर्पज़ में काम नहीं करेगा. अब हायर पर्पज़ को लेकर परेशान नहीं होना, कोई बाद में बताएंगे. थोड़ा सा आ रहा आपको समझ में. एक और छोटा सा केस डिस्कस कर लेता हूँ. एक मेरे पास एक और एग्जिमा का केस है, ठीक है. इसमें क्या हुआ, सेम पेशेंट एग्जिमा लेके आया, तो मैंने बोला
कब से हैं डॉक्टर साहब? काफ़ी साल से हैं और इससे मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं बोला परेशानी क्या है डॉक्टर साहब? अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले वाला पेशेंट भी बोला था तो डोंट गेट प्रिजराइज्ड कि यही रूब्रिक लेना है, एम्बेरसमेंट है। नहीं ले भी सकते हैं पर एटलीस्ट लिट द केस बी ओवर देन वी कैन टेक ए रूब्रिक। हमारे पास रूब्रिक के लिए बहुत टाइम है, आराम से हम ले सकते हैं। तो मैंने बोला फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? वहाँ भी मैंने पूछा था कि कैसे मैनेज करते हैं डॉक्टर साहब, लगता है कि दिखे नहीं लोगों को, छुपा देता हूँ, पर पता चल जाता तो फिर पता चल जाता, फिर क्या करें। पर यहाँ मैंने पूछा कि आप कैसे मैनेज करते हैं उसको, किसी को पता चल पता नहीं चल, पता चलने ही नहीं देता मैं, मतलब ये पेशेंट है उसको अच्छा नहीं लगता है, तो हाउ डज ही मैनेज? तो बोलता है पता ही नहीं चलने देता मैं किसी को आज तक, मतलब बहुत कोई क्रोज आदमी को पता है, नहीं तो किसी को पता होगा, थोड़ी बहुत पता होगा, लेकिन और किसी को पता ही नहीं। तो मैंने बोला अगर बाय चांस किसी को पता चल गया तो? बहुत बुरा लगता है डॉक्टर साहब, बहुत बुरा लगता है। और अगर इसने कुछ बोल दिया और भाई ये क्या है भाई, ये कब से हो गया? डॉक्टर साहब बोलता तो कुछ नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो स्टेटस है, मैं अभी सबको तो मतलब सामने से कुछ बोल नहीं सकता हूँ, पर अंदर से बड़ा गुस्सा आता है डॉक्टर साहब, इतना गुस्सा आता है कि भाई भाई बोल देता भाई बीमारी मुझे है, तेरे को क्यों परेशानी है, झेलता मैं ही हूँ, तेरे को क्यों दर्द हो रहा है? मतलब अंदर से आता है लेकिन मैं तो बोलता नहीं हूँ, मैं अंदर से रहता हूँ चलो कोई बात नहीं। तो आप सबका अपना अपना तरीका है डॉक्टर साहब, क्या बोलेंगे उसको? तो फिर मैंने बोला अच्छा, और कोई बात आता है इस चीज़ को लेके मन में कि भाई आपको एक्जिमा है, इतने साल से है, तो कोई बात, कोई मन में कोई चिंता, कोई टेंशन इसको लेके? तो मैंने बोला ओ क्या किया, अपना मोबाइल निकाला उसने, अभी मोबाइल निकाला उसने, ऐसे स्क्रॉल किया, डॉक्टर साहब देखा आपने ये? तो अब उसके साथ जैसे स्टेट का सीएम का, सीएम के साथ उसके फोटो है, तो डॉक्टर साहब देखा आपने, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ है ये, हमने प्लांटेशन किया था ना अभी, अपना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो 5,000 का प्लांटेशन मैं अपनी साइड से करवाया था। तो बोला अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो आप थोड़ा सा ऐसे नहीं डॉक्टर साहब करते हैं? तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे स्वभाव कैसा है आपको, मतलब मिजाज कैसे रहता है? बढ़िया रहता है डॉक्टर साहब, ठीक रहते हैं। मैंने बोला नहीं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, जैसे कोई काम मन के खिलाफ होता है तो आपकी स्वभाव कैसे रहता है? तो फिर उसने ऐसे स्क्रोल किया, फिर डॉक्टर साहब देखा आपने इसको, आप पहचाने इनको? कौन है बताइए डॉक्टर साहब? हाँ अच्छा अच्छा आपको पता है मिनिस्टर साहब है, टीवी में, ये टीवी का क्लिप है डॉक्टर साहब, ये हम लोग जब ठंडी में पिछले बार दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे 2-3 लोग मर गए थे, तो डॉक्टर साहब 5,000 कंबल मैंने दिया था, तो उसके लिए ये टीवी में हमारा प्रोग्राम आया था। तो अब मैंने बोला कि आप पॉलिटिक्स में क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब पॉलिटिक्स में नहीं है, मेरा तो अपना बिजनेस है, और पर ये सब चीज़ भी कर लेता हूँ मैं। तो मैंने बोला नहीं फिर आप थोड़ा सा और बताइए, जैसे बिजनेस में कभी फेल हुआ, कुछ ये हुआ, तो कोई लॉस वगैरह हुआ तो कैसे उसको मैनेज करते हैं, मन में कोई बात आता है? तो फिर उन्होंने स्क्रॉल किया, मतलब ये कंडीशंस मैं आपको तीन, जैसे जैसे मैं उनके बारे में पूछा, एक्जिमा के बारे में पूछा, तो तुरंत मेरे को कोई कोई ना कोई क्लिप दिखा देते थे कि अभी इनके साथ है, अभी ये टीवी का इंटरव्यू, अभी ये क्या है। मैं सोचता रहा यार ये क्या हो सकता है, लेकिन शुरू में अगर हम देखेंगे बीमारी को लेके उनको बुरा लगता है, अच्छा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो पर उन्होंने ये नहीं बताया कि किसी और ने इसके बारे में, हाँ अगर कोई और इनके बारे में बोल देता है
तो उनको गुस्सा बहुत आता है। और दूसरी बात मैंने बोला जब कैसे मैनेज करते हो, तो बोलते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर किसी को पता चल जाता है, किसी भाई एनी मीन्स जैसे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है भाई, कपड़े खोलते हुए देख लिया, तो तुरंत उसको बोलते हैं, अंदर से उनको बोलता है भाई जब तुम्हें तकलीफ़ नहीं है तो तुम्हें कितना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे तकलीफ है, आई एम मैनेजिंग इट, लेट मी मैनेज इट। और जितने बार मैंने उनके नेचर के बारे में पूछा, बीमारी के बारे में पूछा, हमेशा वो व्हाट्सएप में कोई क्लिपिंग है, कोई टीवी न्यूज़ का क्लिपिंग है, कहीं डोनेशन कर रहे हैं कंबल का, कहीं प्लांटेशन कर रहे हैं, कहीं कुछ कुछ प्रोग्राम है वो सब में। तो मैंने उनको नेट्रोम्यूर थेरेपी दिया था। नेट्रोम्यूर में क्या होता है, एक सिक्योरिटी बहुत होता है कि उसकी उसके जो कमी है ना बाहर आने नहीं देता है। इसने बोला ना किसी को पता नहीं चलने देता है, तो किसी को पता नहीं चलता है, पर जैसे पता चलता है तो उसका रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब भाई आपको क्या दिक्कत है, मुझे है ना, मैं जल रहा हूँ। और जहाँ जहाँ आप उसके बारे में पूछते हैं, उसके नेचर के बारे में, उसकी जो बीमारी भी उसका वीकनेस ही है, कमी है उसके अंदर, तो क्या करता है, ही सोज यू सम अदर थिंग वेयर उसकी कोई बहुत बढ़िया चीज़ है कि भाई इसने ऐसा किया, मैंने उसके, तो कहीं ना कहीं मेरे को सोशल पोजिशन के बारे में थोड़ा सा दिमाग में आया। पर नहीं यार, ये एक्सक्लूसिविटी है, हमारे पास एक रूबिक एक्सक्लूसिव है कि क्या होता है ना, ट्रिब्यून अपनी कमी को छुपाने के लिए कोई डिग्निफाइड एक्टिविटी कर लेता है। अंदर जो चीज़ें हैं, जो गंदगी, जैसे बताया हमारे पास रूब्रिक है इंडिग्नेशन है, और आसपास उसके और करीब की रूब्रिक है इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल। प्रेग्नेंट मतलब क्या है, प्रेग्नेंट का तो जनरल मतलब आपको पता है, जब एक फीमेल है कंसीव कर लेता है और बच्चा पेट में दिखता है, वो प्रेगनेंसी है, बच्चे का जो कंडीशन दिखता है 7th month 6th month, मतलब दिखता है। तो जब दिखता है, इसका मतलब हम अगर हम मास्टर्स को पढ़ेंगे, उसको ये नेटवर्क को उन्होंने इस एंगल से दिखाया कि उसकी जो प्रेगनेंसी है ना वो अनवांटेड है, तो इसलिए जब वो दिखता है उसको डिग्निटी लोअर होता है। तो कोई चीज़ अनवांटेड है जब उसको दिखता है, मतलब उसकी जो छवि है ना, उसकी जो पिक्चर है, उसमें एक भद्दा आता है, तो उसको इंडिग्नेशन होता है। तो यहाँ क्या होता है, एक्जिमा। अब ये इतना फिलोथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन ये वाला जो एक्जिमा है ना, उसकी एक धब्बा है, अब उसको वो छुपाता है। पहले तो दिखना ही नहीं, अगला देख ही नहीं पाता है, किसी भी कंडीशन में करता है कि देख ही नहीं पाए, लेकिन अगर दिखता है इसको गुस्सा तो आता है, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन और एम्बैरेसमेंट में क्या डिफरेंस है, एम्बैरेसमेंट मैंने जैसे आपको स्टाफ सेक्रेटरी का बताया, उसमें क्या फीलिंग लो, और यहाँ है राइटियस एंगर, मतलब गुस्सा जो है भड़क के बाहर आना, एंगर आता है, लेकिन ये क्योंकि ये किसी चीज़ को दिखाता नहीं है, तो इसीलिए वो अंदर छुपाता है, इंडिग्नेशन है। राइटियस, वाई, तुम क्यों, तुम्हें क्यों परेशानी है भाई, और यहाँ क्या होता है, अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। तो नेट्रोमर में दोनों एम्बैरेसमेंट और इंडिग्नेशन है, कि जब फील लो करता है तो एम्बैरेस भी होता है, पर एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ को कवर अप कैसे करता है, कुछ डिग्निफाइड एक्सक्लूसिव एक्टिविटीज़। अब वो जैसे यहाँ ये क्या करता है, प्लांटेशन कर देता है, ब्लैंकेट देता है, कुछ और हेल्प कर देता है, और सब जगह कोई डिग्निटरी उसके साथ रहते हैं कि देखिए सर, ये देखिए सर। तो ये सोशल पोजीशन से आगे है, तो वो सोशल पोजीशन के पीछे हम नेटर में उनको समझने की कोशिश करेंगे, अपनी कमी को छुपाने के लिए कुछ ऐसे एक्टिविटी करता है जो सब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो एक्सक्लूसिव है। ही डज सम डिग्निफाइड, कुछ स्पेशल एक्टिविटी है, ताकि लोग उस एक्टिविटी से इसको पहचाने, ना कि उसकी कमी की वजह से, यार इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसके पास ये कमी है, वो कमी डाउन हो जाता है, कमी छुप जाती है और किसी को पता भी नहीं होता है। तो आप तीन दवाई हमने पढ़े, इग्निशिया, स्टेफसेग्रिया और नेट्रोम्यूर, और तीनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, आप समझ गए कि नेट्रोम्यूर क्या करता है, अपनी कमी को छुपाने के लिए कोई एक्टिविटी करता है। स्टेफिसाग्रिया क्या करता है, स्टेफिसाग्रिया अपना जो ओपिनियन दूसरों के, अपने बारे में जो ओपिनियन है, वो चाहता है कि सब लोग अच्छे ओपिनियन मेरे बारे में रखें, और उसके लिए उसकी एम्बिशन, वो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मतलब अपनी कॉम्प्रोमाइज सब प्रेस करता है। इग्निशिया अपने मैरिड स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है, क्या है मैरिड, मैरिड मतलब मेरा घर,
मैं एक हूँ, मेरे वाइफ हस्बैंड के साथ अलग नहीं हूँ, और मैं ही इज़ मैरिड, ही मतलब मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रेंथ दी हूँ, मेरे अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सब कुछ करके रखूँगा, कोई कंप्लेन किसी को पता होने नहीं दूंगा। कि तीनों में क्या होता है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है, इसीलिए बॉडी एक जिम्मा करता है कि जहाँ आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो लेवल इतनी बड़े हाई नहीं है, तभी एक्जिमा में आता है, क्योंकि थोड़ी सी हाई है कि डर्माटाइटिस से ऊपर है, तो इसीलिए वो एक्जिमा के लेवल में है। और जैसे ही आप देंगे, स्लोली 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 ये एक्जिमा ठीक हो जाएगा, एंड देर विल बी सम चेंज इन द पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, तीन तीन दवाई हमने कोशिश किया, आप लोग पढ़िए आराम से, और कोई पिक्चर मत बनाइए। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आता है, अभी एक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि मैंने एक्चुअली उनको बता दिया कि आप ये दवाई, क्योंकि ही वॉज इन ए प्लेस जहाँ आसपास में कोई डॉक्टर नहीं है, तो मैंने बोला वो ही इंसिस्टेड दैट प्लीज़ टेल मी आई नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द नेम ऑफ द मेडिसिन। तो मैंने उनको बोला कि आप ले लीजिए फॉस्फोरस, वो तो ही वेंट इन टू शॉक, हाउ कैन बी आई फॉस्फोरस, आई एम नॉट ए हाइपोक्राइट। अब उनको समझाने के लिए मुझे फिर 15 मिनट लग गया, कि मैं बोला भाई मैं भी लिया हूँ फॉस्फोरस, क्योंकि ये एक स्टेट है, कोई जरूरी नहीं कि फॉस्फोरस की 1200 रूबरी का आपके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा तब आप फॉस्फोरस लेंगे, आई यू हैव टू बी हाइपोक्राइट, ऐसे नहीं है, गलत है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। एक एक छोटी छोटी स्टेज चाहते हैं हम, एक दवाई को एक जगह पे जूम इन करके ड्यूरिंग सिकनेस हम समझने की कोशिश करते हैं, और उसकी पैटर्न इनसाइड द एनवायरनमेंट और नेचर के साथ समझते हैं, इसलिए है कि हमें उसको एक स्टेट एक पिक्चर बनाने में हेल्प करता है। पर वो पिक्चर बना के हर पिक्चर दवा पे पेशेंट को उसी तरीके से समझना गलत है। प्लीज़ डोंट मेक ए फ्रेम ए पिक्चर कि ये ऐसा ही होता है, नहीं, अलग हो सकता है। मैं इग्निशिया का बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर है मेरे पास, नेट्रमुर का भी खुशी वाली पिक्चर है हमारे पास, कभी पढ़ाऊंगा तो मैं आप बताऊँगा कि नेट्रमुर भी चीयरफुल क्वेश्चन एप्टर है, कि इसमें वो भी खुश होता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा दुखी रहता है, जैसे बोलते हैं नेट्रमुर एक दुखी वाला पिक्चर है, नहीं, खुश होता है, बहुत खुश होता है। तो अभी वो मतलब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मतलब क्या, कर किसी के साथ इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है तो खुश होता है वो, बल्कि एक ही दवाई है चेयरफुल क्वेश्चन आफ्टर में, तो और भी है, सैडनेस भी है, पर वो एक एरिया तो है ना खुश होने का, उस एरिया में आपके पास दवाई आ सकती है। कोई जरूरी नहीं कि आपको नेटर मूड में सिर्फ दुखी है, मोरोज है, सैडनेस है, रेच्ड है, इसी में ही जाके नेटर मूड देना, नहीं, नॉट एट ऑल। प्लीज़ डोंट फ्रेम ए पिक्चर, थोड़ा थोड़ा करके समझ के जिस एरिया में आपके पास पेशेंट आते हैं उस एरिया में उसको फोकस करके दवाई दीजिए। चलिए, थैंक यू।